हाँ कितना एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सुपर मॉम्स करने में. इट्स ऑलवेज नाइस टू कीप वर्किंग एंड टू ये मतलब यू नो आई लव एंकरिंग. एंकरिंग करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, लोगों को हंसाने में मज़ा आता है, मस्तियाँ करने में मज़ा आता है. तो आई एम हैप्पी दैट यू नो ये भी शो मैंने शुरू किया था बहुत साल पहले, सीजन वन मैंने किया था एंड अभी सीजन थ्री कर रहा हूँ. सो आई एम हैप्पी दैट यू नो आई मीन यू नो मेरा बहुत एक लंबा एसोसिएशन है DID के साथ. काफ़ी सारे इनके शोज़ मैं ही करते आया हूँ और जो मैं नहीं कर पाया हूँ वो बेचारे चल नहीं पाए हैं, तो अच्छा लगता है. उसके बाद काम पे भी जा सकती है, काम से आने के बाद फिर से खाना बना सकती है, फिर छोटे छोटे बच्चों का क्या कहते हैं सारे खेलने से लेके उनकी यू नो उनका ख्याल रखने से लेके वो सब कुछ कर सकती है. ये मैक्स टू मैक्स आदमी एक या दो बार कर सकेगा दिन, मतलब है ना ऐसे चैलेंज के तौर पर ले लेगा, लेकिन अगर ज़िंदगी में अगर ये कहेंगे तो बड़ा मुश्किल सा काम है. एंड आई डोंट फील दैट यू नो इसीलिए वो सुपर मॉम है और हम फादर्स हैं. जैसे अभी देखो हैप्पी फादर, ये फादर्स डे आया था कल, हाँ किसी को पता नहीं चला ऐसे कब, ऐसे बोलते ना एक ऐसे सन्नाटे के साथ आया और ऐसा चला गया, मतलब बापों की तो कदर ही नहीं है इधर. वहीं भाग्यश्री ने हमें बताया कि वो कितनी खुश हैं सुपर मॉम्स के साथ जुड़कर. साथ ही उन्होंने शेयर किया कि ये शो कैसे बदलेगा सुपर मॉम्स की जिंदगी. इस शो को लेकर जाहिर है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि औरतें हैं और औरतों को एक्साइटमेंट होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि ये एक बहुत पॉजिटिव शो है. हम औरतें आई थिंक घर परिवार फैमिलीज पति बच्चों को देखते देखते अपनी ज़िंदगी भूल जाती हैं और अपने सपने कहीं पीछे छोड़ देते हैं. तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर अपने सपने लगता है कि हम साकार कर सके, उनकी तरफ बढ़ सके. सो आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी ऑन अ शो लाइक दिस. DID सुपर मॉम्स वो उन औरतों के लिए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कभी आगे बढ़ने ही नहीं दी, उन्होंने बस थमा दिया क्योंकि उनको लगता था कि उनका परिवार और बाकी सब चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है जहाँ पर वो अपना टैलेंट दिखा सके. सो दिस इज़ अ शो दैट एक्सक्यूज सो मच ऑफ पॉजिटिविटी. इतनी पॉजिटिविटी है कि मैंने सोचा बस मुझे इसमें इन्वॉल्व होना ही है. रेमो हमें बताते हैं अपना DID एक्सपीरियंस और कितने एक्साइटेड हैं वो सुपर मॉम्स की जर्नी को लेकर. मैं अब बहुत एक्साइटेड हूँ और जैसे कि मैंने कहा कि ये पहली बार मैं DID सुपर मॉम्स कर रहा हूँ एंड इसके पहले मैं सिर्फ DID बड़े लोगों का करता था, बाकी भी रियलिटी शोज थे वो सब बड़े लोग थे. बट ये पहली बार हो रहा है कि मेरे साथ दोनों चीज़ें पहली बार हुई है, DID लिटिल मास्टर भी पहली बार हुई है एंड DID सुपर मॉम्स भी पहली बार हुआ है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मॉम्स हैं बहुत अमेजिंग है, सभी बहुत अच्छा डांस करती हैं. दो क्राइटेरिया है, एक तो हम इन्हें डांस गुरु दे रहे हैं हमारी तरफ से ताकि हम देख सकें कि ये कम टाइम में कितना जल्दी पिकअप कर सकते हैं. तो एक तो वो है कि डांस गुरु जो स्टेप्स दे रहे हैं वो कैसे कर पाते हैं, दूसरा डांस गुरु के साथ नाचना पड़ेगा. तो अब तक सिर्फ अकेले नाचते थे लेकिन डांस गुरु के साथ कैसे मैचअप करते हैं, तो ये दो क्राइटेरिया मेन है. उसके अलावा पैशन और हार्डवर्क तो देखेंगे. मैं मेरे फैंस को सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूँगा एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड वट एवर आई डू. सो आप ऐसे प्यार करते रहे एंड आई प्रॉमिस मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा. थैंक यू सो मच. तो वहीं उर्मिला मातोंडकर हमें बताती हैं शो में क्या है उनके लिए खास और अपने इमोशनल पॉइंट्स को भी उन्होंने किया शेयर. सो बेसिकली जी टीवी अपने आप में एक फैमिली एंटरटेनमेंट में सबसे बेहतरीन चैनल है और इस शो में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ ये वुमेन से उनके टैलेंट्स और उनके टैलेंट को दिखाने वाला शो है. और ये जो मेरा इस शो पर लुक है वो बहुत ग्लैमरस और खूबसूरत और सॉफ्ट सा लुक है और काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सारी लेडीज़ जो है उनकी ज़िंदगी के अपने अपने सफ़र हैं, अपनी अपनी कहानियाँ हैं और बावजूद इस सब के एक ज़बरदस्त टैलेंट है, जलवा है जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं. सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हुई हूँ, शायद तीनों जजेस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं जब जब मैं सुनती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो ख़राब ज़िंदगियाँ जी रही हैं बट कहीं ना कहीं ज़िंदगी में दूसरी भूमिकाएं करते करते अपने सपने अपनी ख्वाहिशें सब कुछ भूल जाती है और ये भूली जाती है कि मुझे भी अपनी खुशी के लिए कुछ करने का हक है और कुछों को घरों के लोगों का सपोर्ट है, कुछों को नहीं है. इसके बावजूद उनकी कोशिश और उनकी शिद्दत और उनका जज्बा जो है उन्हें मैं सलाम करना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की जनता भी उन्हें उतना ही प्यार देगी जितना आज यहाँ बैठ के हम दे रहे हैं.